नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा हिमालय 10 टेक्स 4 टेबलेट के बारे में। इसका फुल रिव्यू करूंगा आप लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी होता है इसके बारे में नहीं जानता है और मुझे पूछता रहता है, तो इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहे। और एक बात, कोई दवाई यूज़ करने से पहले उसका जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नए सीख लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय 10 टेक्स 4 टेबलेट 10 गोलियाँ आता है। इसका प्राइस की लगभग 80 रुपीज़। कहीं भी मेडिसिन स्टोर पर इस दवाई को आप लोगों को मिल जाएगा या ऑनलाइन से आप लोग इस दवाई को खरीद कर सकते हो। तो चलिए इसका बेनिफिट का बात करते हैं। नंबर वन बेनिफिट, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी होता है जो प्रसव करने के बाद उसका वीर्य जाता है या मौल जाता है, तो उस सिचुएशन पर आप एक है तो इस दवाई को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। आपका बेनिफिट मिलेगा, आपका रिजल्ट आएगा। बेनिफिट नंबर टू, आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी होता है जो मास्टर पेस करके उसका जो लिंग होता है उसको ढीलापन कर देता है। अगर उनमें से आप एक है तो इस दवाई को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। आपका जो लिंग का जो तनाव या ढीलापन वो ठीक हो जाएगा। बेनिफिट नंबर थ्री, शीघ्र पतन का समस्या। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी को होता है शीघ्र पतन का समस्या होता है, उनमें से आप एक है तो ज़रूर इस दवाई को ट्राई कीजिए। आपका हेल्प होगा और इसका रिजल्ट भी मिलेगा आप लोगों को। बेनिफिट नंबर फोर, सेक्सुअल एक्टिविटी पावर बढ़ाने के लिए ये दवाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपका सेक्सुअल पावर बहुत कम है, तुरंत आपका जो वीर्य है जल्दी निकल जाता है सेक्स करने के वक्त या टाइम, तो उनमें से अगर एक है तो इस दवाई को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। आपका जो सेक्सुअल पावर है वो बढ़ जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए इसका डोजेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसका डोजेस एक टेबलेट सुबह लेना है और एक टेबलेट शाम को लेना है। दो टेबलेट लेना है आप लोगों को सुबह और शाम खाने को बात लेना है। और देखिए इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो देखिए इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हो। और किन कंडीशन पर इस दवाई को नहीं ले सकते हो आप, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या अप डाउन होता है आपका ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन पर इस दवाई को आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो आपका जो आसपास का कोई डॉक्टर है उसके साथ कंसल्ट करके आप इस दवाई को ले सकते हो। तो इसका जो डिटेल्स था आप लोगों को बता दिया। अगर इस वीडियो को थोड़ा अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और मेरा चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। अगर कोई मेडिसिन के बारे में आप लोगों को पूछना है या जानना है तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। वंदे मातरम।